शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे सोर्सेज हैं जो बिल्कुल ईविल होते हैं। वो जगह जहां अंधकार फीका हो जाता है और आत्मा जागृत। वो खुद को बचा के रखते हैं उनको तंग करने वाली सारी बुराइयों से। I love you. आप ये क्या कर रही है? बिल्कुल मत डरो। मामा रुक जाइए प्लीज। पर अब तुम उसकी हो चुकी हो। नहीं प्लीज मामा, ऐसा मत कीजिए। नहीं मामा प्लीज मत कीजिए। मम्मी क्या कर रही है आप? प्लीज नहीं। अभी नहीं लग रहा, पर मुझे लगता है तुम्हारा भविष्य काफी मजेदार हो सकता है। मुझे नहीं लगता। पता है ब्रायन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम वैसे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जो अपने कैरियल से मार्शमेलो बाहर निकाल देते हैं। तुम उसे बता क्यों नहीं देते? हे, केनी को किसने इनवाइट किया है? बस भी करो अब। क्या, मैं बस इतना कह रहा हूं कि घबराना मत अगर तुम्हारे मेल बॉक्स में तुम्हारा फेस बना हुआ कार्डबोर्ड मिले तो। कितने खराब हो तुम। ये कितना अजीब घर है ना? मैंने सुना है कि यह शापित है और अगर तुम अंदर जाओगे तो बुरी आत्माएं तुम्हारे शरीर को छू लेंगी और तुम खत्म हो जाओगे। अपने ड्रिंक एंजॉय करो केनी। तुम आज भी अपने चेहरे की सच्चाई नहीं छुपा पाते हो। स्टेफनी, नहीं जानता था कि हम अब भी दोस्त हैं। मैंने एलिमेंट्री स्कूल में ही मुझसे दूर रहने को कहा था। नैटली कहाँ है? वो डैनियल के साथ है।
ये तो अच्छी बात है, मेरा मतलब इस जगह को देखो, तुम्हें लगता है कि एक छोटी बच्ची मरी थी यहाँ? हम लोग बस इतने ही हैं? हे, तुम्हें भरोसा है ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? हाँ हाँ, फाइनल टर्म और यूरोप के टूर के बाद मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। समर ब्रेक के बाद? हाँ, क्योंकि कुछ काम आ गया है इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर बता देंगे। तुम जानती हो मुझे डीएलए करना है। फिर से? अब ये क्यों? क्यों? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। यहां शैतान को कौन मानता है? वैसे माना जाता है कि इस जगह की खोज 1902 में एक औरत ने की थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ना कोई सुराग है। सच में सब तुम्हारे कंट्रोल में है। उसने अपने अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अपने बेस्ट जजमेंट के खिलाफ वो एक बुरे अस्तित्व के साथ प्रेग्नेंट हो गई। और जब चर्च का निर्माण हुआ तो उसने पैसे देके एक सुरंग बनवाई जो मैंशन से चर्च तक आती थी, जिसके जरिए वो प्रार्थना करती थी शैतान की नजरों से बचकर। बुरा मत मानना, अगर मैं
रोजली, गूंज आई पूरी सुरंग में। उसको जब उसके पति की लाश रस्सी से लटकी हुई मिली, ये जानते हुए भी वो 13 साल तक भ्रमित रही। उसने अपनी बेटी को छुपा दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके, और तब से इस घर में कोई भी जिंदा नहीं है ये कहानी बताने के लिए। जयेश, नहीं, क्या इसकी सांसें चल रही हैं? नहीं पता, हमें किसी को बुलाना चाहिए। किसको बुलाएं एरन? डॉक्टर, हाँ।
जाओ क्रिस्टीना। हेलो, नहीं मैं फिर से तुमसे नहीं बोलूंगी। चलो उठो अभी और होमवर्क करो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन है? सॉरी, हेलो कौन है और तुम्हें ये नंबर कहां से मिला? तुम क्रिस्टीना हो बेटा? क्या तुम हो? मुझे आपके साथ हमदर्दी है। रुको रुको, तुम कौन हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब गायब कैसे हो जाते हैं। मेरा मतलब कोई तो सुराग होगा, कोई बात या कोई क्ल्यू या फिर कुछ भी, कुछ तो होगा। एलिसन, आई एम सॉरी। तुम क्या बोल रही थी? तुमने खाने को छुआ तक नहीं। एडी, अपने बेटे को देखो, वीडियो है। ओके, चलो पेड़ के चारों तरफ घूमो। मुझे बताओ अभी तुमने क्या किया? मैं हूँ सुपर हीरो। हाँ, तुम एक सुपर हीरो हो। सच में बहुत शानदार, तुम बहुत बहादुर हो।
हे, क्या तुम ठीक हो? रॉबर्ट, रॉबर्ट थर्मन, हाय, मैं एलिसन टेलर हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारा बेटा मैथ्यू कुछ महीने से लापता है। तुम मैथ्यू को जानती हो? मेरे बेटे को जानती हो? मैं सोच रही थी कि कुछ वक्त के लिए आपसे बात हो सकती है। मुझे उस बारे में जो कहना था मैं सब कुछ कह चुका हूँ। सॉरी, मैं आपकी स्टोरी में कोई मदद नहीं कर सकता। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अभी उन सारे परिवारों से मिल रही हूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया है। देखिए, मैं बस ये सोच रही थी कि शायद मैं आपको कुछ बता सकती हूँ जिससे आपको मदद मिले। तुम कुछ पीना पसंद करोगी? मैं ठीक हूं, शुक्रिया। मुझे नींद नहीं आती आजकल। जो कुछ हुआ उसके बाद, उसने कहा था वो अपने दोस्तों के साथ एक बार और नॉर्थ घूमना चाहता है। वो चाहता था कि मैं उसे गलतियां करके सीखने दूं। मिस्टर थर्मन, खुद को दोष मत दीजिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते। ये वो सब है जो मेरे बेटे के बारे में कहा गया, मैथ्यू के बारे में। सब कुछ एक पेज में ही आ गया। उससे कम तुमने वो घर देखा है? अब बस सवाल का जवाब दो। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। बैठ जाओ। मुझे पता है तुम मैथ्यू को जानती थी। तुम मुझे सपनों में दिखाई देती हो। उसने मुझे सब बता दिया है, ये भी कि तुम कैसे मरोगी।
अभी नहीं। अब मुझे लगता है कि मैंने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी। I'm so sorry। मैं आपको तंग नहीं करूंगी। तुम यहां क्या कर रही थी? पर मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो ये सच है, तुम उनके फैमिली से पूछताछ करने गई थी? नहीं, अब 13 महीने एलिसन, ये क्या कह रहे हो तुम? और 12 बलिदान, हमें बस एक और चाहिए। देखो, अपने विचारों को ठीक करने के लिए ये सही टाइम नहीं है, समझ गई तुम? समझ गई, मैं सब समझ गई। एक्सक्यूज मी। तो तुम फिर से जा रही हो? हाँ। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। तुम जाती हो ये मुझे पसंद नहीं, और एक ग्रुप के लोगों के साथ समय गुजारती हो, या फिर ये बात कि तुम कुछ अलग दिखती हो। ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही होगा। क्या इसका ताल्लुक उस घर से है? वो आ गया। विश्वास नहीं होता कि 1 साल होने को आया है। एलिसन, अब 13वां महीना लगभग आ गया है। ब्रायन, मुझे रोशन का चेहरा याद है।
और बाकी सबका भी। टाइम होने ही वाला है। इसे रखने के लिए शुक्रिया। इसकी कंडीशन खराब देखकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी और ब्रायन से पूछ नहीं सकी। कोई बात नहीं, ये हम सबके लिए आखिरी बार है, तो दुआ करो कि सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है ना? हाँ। मैंने कुछ मिस किया क्या? हम बस सोच रहे थे कि 13वां शिकार कौन होगा। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमें जल्दी कोई मिल जाएगा। तुम यहीं पर रुकना, ठीक है? तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, है ना? पता है, मैं भी काफी अच्छा हूं। हाँ ठीक है, मैं ब्रायन को बता दूंगी। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। मेरा मतलब, कैसे पता कि ये यहां खत्म हो जाएगा? रैन, मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है? बस यही एक रास्ता है। रैन, तभी हमारी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी वापस नहीं जा पाएंगे ब्रायन। रैन, मेरा यकीन करो, बस एक और रात, फिर उसके बाद हम आजाद हो जाएंगे। Thank you.
से किसी एक को तेरवा चुनना होगा। सबने तू ही चुना है। क्या? ये सब क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तुम जल्दी से घर जाओ। जाओ। और तुम्हारा क्या होगा? तुम जाओ। मैं ठीक हूँ। मुझे कैलेंडर वापस लाना ही होगा। कैलेंडर अपने आप पूरा नहीं हुआ। ऐसा पहले हुआ है क्या? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब वो बच निकली? हम मरने वाले हैं। क्या मतलब कि वो बच निकली? हम सब मर जाएंगे। जैसा करते हैं वैसा ही किया। हमने उसे गुफा में छोड़ दिया। सुना नहीं ब्रायन ने क्या कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? हम सब मर जाएंगे। कसम से अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तेरवी तुम बन जाओगी। देखो, मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। हम मरने वाले हैं सबके सब। तुम लोग अब तक समझे नहीं? उस घर में कदम रखते ही हमने मौत को सुना। हमने उसके लिए अपनी आत्मा खराब की, पर वो हमें कहीं नहीं जाने देगी। अब बस एक ही रहस्य बचा है। अब हमें बस उसका पता लगाना है कि पहले कौन मरेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। भाड़ में जाइए जगह। वैसे भी मैं अकेला ही ठीक हूं। यह सब रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। मैं ढूंढने के लिए तैयार हूं। सुनो, तुम फिर से आके मुझसे मिलो। ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं सीरियस हूँ। मैं आ जाऊंगी। ठीक है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो वापस आ जाना। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और मेरा नंबर पीछे लिखा है तो। ओह अच्छा। अगर तुम मुझे कॉल करना चाहो तो। ठीक है, मैं कर लूंगी। तुम्हारा फिर से शुक्रिया, तुमने मदद की। यू आर वेलकम। ध्यान से ड्राइव करना। ठीक है। ओके। हे, इसे जाने दो।
Hey Josh, line one पे कोई तुम्हारा नाम लेके कॉल किया है। ठीक है। वैसे तुमने बिल्कुल देर नहीं की। क्या मिस्टर माइकल क्लेबर्ट यहाँ पे हैं? हाँ, वो वहाँ ऊपर हैं। जितनी मर्जी चाहे उतनी बार मशीन को एडजस्ट कर लो, लेकिन एक या दो खराबियां तो इसमें आ ही जाती हैं कभी कभी। ओवरहेड रिले को बदलने की जरूरत है इसके। क्या मुझे आपका 15 मिनट मिल सकता है? तुमने 15 मिनट के बारे में सुना है? थोड़ा वक्त से ज्यादा होता है ये। एक कन्वेयर बेल्ट भी बदलना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। माफ कीजिएगा, पर मैं जूनियर रिपोर्टर हूँ KRTV से। मैं एक स्टोरी कर रही हूँ। मुझे लगता है इंच अप प्रेस भी बदलना होगा। और ये स्टोरी मेरे लिए इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये आपकी स्टोरी है। चाबियां सामने छोड़ देना जो। ये उस वक्त की शुरुआत थी जब अंधकार धरती पर फैलने लगा, और इसकी व्याख्या 1412 में बिल्कुल ऐसी ही की गई है। मुझे समझ नहीं आया कि इससे घर का क्या कनेक्शन। कभी कभी अंतराल के बीच इंसान इस दुनिया में अपने अस्तित्व की खोज करता है। शैतान अपने काम को अंधकार के जरिए करता है, भगवान की पावर और सिंहासन को छीनने के लिए। रोमन कैलेंडर उस समय से जब सूरज का प्रमुख प्रभाव था, और इतिहासकारों ने इस महीने को उस वक्त चुनना भी शुरू किया था। कुछ का कहना था कि यह बुराई का उदय था जो सब जगह छा गई थी, जिसने हम सबको बहुत छला था। इतनी बार कि यह समय सीमा हमारी ऐतिहासिक किताबों में से गायब ही हो गई। तो आप कह रहे हैं कि कैलेंडर गलत है? गलत नहीं, अधूरा है। थर्टींथ मंथ। ये क्या है? 13th month का रेफरेंस जो की किताब में है। ये वो समय है जब शैतान की पहुंच होती है भगवान के सिंहासन तक, स्वर्ग में, और देवदूत भगवान के सामने पेश होते हैं।
शैतान उनके बीच होता है, बिल्कुल ढका हुआ और चोगा पहने हुए, छुपा हुआ और दानवी यंत्र के साथ। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किस तरह का यंत्र? वैसे कुल कितनी कॉलोनीज थी? 13। और कितने धर्मदूत थे? 12। नहीं, 13 थे। जूडास इस्करियोट के मरने के बाद उसके बदले मैथायस आ गया था, तो पहले दरअसल 13 थे, पर एक वक्त पे 12 ही थे। पता है 13 नंबर ही क्यों? कॉलोनियल्स, प्राचीन मैंस, मिस्र के लोग, सभी प्रारंभ के समाज ने इस यंत्र को पाने की कोशिश की थी। ये यंत्र ना सिर्फ नरक के दरवाजे खोलता है, बल्कि बुरी आत्माओं द्वारा बदला लेने के काम भी आता है, कष्ट पहुंचाने और सताने के काम भी। एलिस हैग ने कहा कि उसके बुरे सपने जीवित हो गए थे, उसकी आत्मा को अंधकार ने भ्रष्ट कर दिया था और उसकी कहानी बहुत ही मशहूर हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि उस यंत्र को आज भी उस घर में पाया जा सकता है। कहते हैं कि वो एक रोता हुआ बच्चे जैसा दिखता है, माँ को उसे फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है मेरे दोस्त खतरे में है, क्या आप मुझे अपने अंतिम लीड बता सकते हैं जो आपको पता है? केनी फ्लावर्स मेडिकल का जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो आखिरी है जिसने रोते हुए बच्चे को देखा था। लेकिन अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहूंगा। प्लीज बी केयरफुल। डैनियल, तुम अपने कमरे से बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंदर जाओ। डैनियल, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगी। फ्यूनरल कैसा रहा? वो बस काफी अजीब था। उसकी फैमिली के साथ वहां खाली ताबूत रखा था। एरन, तुम खुद को दोष नहीं दे सकती, जो हुआ उसमें जोश की लापरवाही थी। मैं जानती हूं, पर मैं चाहती हूं कि काश कैलेंडर किसी तरह अपने आप पूरा हो जाए। क्या बात है एरन? और आज 13th फ्राइडे भी है। ये अजीब था। तुम आज मरने वाली हो। क्या हुआ? हे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। जैसे हाँ,
जैसे कुछ अजीब से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जहां देखती हूँ वहां। क्या हम लंच के लिए मिले? ओके। डैनियल, खाने का टाइम हो गया है। थैंक यू मुझसे मिलने के लिए। मुझे अभी तक पता नहीं कि आखिर हुआ क्या था। मैं उस गुफा में क्यों थी एरिन? हमने कैलेंडर को ढूंढा, उसमें 13 महीने थे और 13 बलिदान। हम सबने इस बारे में बात की है एरिन, सबने, पर सिर्फ मैं ही उस गुफा में क्यों थी? ब्रायन और कैनी और जोशुआ, जिसे भी तुमने उस दिन देखा था, उन सब ने तुम्हें चुना था। हमने तुम्हें चुना था। हमने एक शाप को मुक्त कर दिया या किसी प्रवेश द्वार को खोल दिया। प्रवेश द्वार? देखो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। बस कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा है। जब से हम उस घर में गए हैं, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। एलिसन, मुझे लगता है एरिन, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अजीब सा बच्चा रो रहा हो, और सिर्फ मैं ही उसे सुन रही हूँ। स्टेफनी ने कहा कि उसके दादाजी भी बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। अजीब कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, बस अजीब है। पर वो आवाज, वो कभी रुकती नहीं है, और अब आवाज। क्यों, कैसी आवाज? कल से ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई हर वक्त मेरा पीछा कर रहा हो। सुनो, क्या वो कैलेंडर है? तुम जानती हो कि उस घर का इतिहास बहुत बुरा है। एक कहानी, एक माँ और उसकी बेटी के बारे में। बेटी को नरक जाने की चाबी दी गई थी और माँ अपने किए हुए बुरे कर्म छुपाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम उस घर में जाती हो तो वहां एक अंधकार है, वो खुद को तुम्हारी आत्मा से जोड़ देता है, और एक बार ऐसा हो गया तो वो कभी तुमसे दूर नहीं जाता। टेरी आखिरी इंसान था उस कैलेंडर को पूरा करने वाला। टेरी ने ही हमें ढूंढा था। वो बलिदान टेरी ने गुफा को चुना था। हमें उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए था।
एक बार अगर उसका रोना सुनाई देता है तो फिर वो कभी नहीं रुकता। किसका रोना? ईव, उसका नाम ईव था। एरिन, हे, तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? हे नहीं, रुको रुको एरिन, हे रुको, नहीं नहीं ओ नहीं, रुको एरिन, रुको, नहीं नहीं वो उसे नहीं ढूंढती, हाँ? वो रुकने वाली नहीं है। एलिसन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हमारे पापा से बचना बहुत मुश्किल है। सुनो प्लीज, रुको। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। एलिसन, कैलेंडर को पूरा कर... मैंने बोला था ना कि ये कितना आसान है, मैंने पहले ही कहा था। कतार में खड़ा करो और मार दो। टेरी, क्या बकवास है ये? हाँ, टेरी ये, टेरी वो, शिट। दोस्त मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। टेरी, वो बच गई थी। ऐसा कैसे? और तुम लोग यहां पर आ गए? हमें पता नहीं कि हम क्या करें। हम उसे बलिदान की जगह पे ले गए थे और फिर वो बच निकले। उसके फ्रेंड्स ने कई दिनों से कांटेक्ट नहीं किया हमें, और नैटली ने हमारी कॉल का जवाब भी नहीं दिया। ओके, अच्छा, सब ठीक है, मुझे बस उसको एक फोन लगाने दो, एक सेकंड प्लीज। हेलो ऑपरेटर, हाँ हाँ हाँ, एक फोन मिला दो प्लीज। क्या कहा? नंबर चाहिए? तुम्हारे पास जो भी सबसे बड़ा नंबर है घुमा दो। कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो तुम कर सकते हो। तुमने कहा था हमें किसी अपने की बलि देनी होगी, और तुमने हमें बलिदान की जगह भी बताई थी। तुमने हमें लोगों के पास भेजा। रुको रुको रुको, तुम यही रुक जाओ जानेमन, लगता है तुम ज्यादा ही औकात से बाहर की बातें कर रही हो। ठीक है, पहली बात, मैंने बस तुम्हारी मदद की थी, मैंने बस इतना सजेस्ट किया था कि चुनिंदा लोगों से ही बातें करो। तुम्हारे जूनियर दोस्तों ने उसके साथ क्या किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। कब से? क्या क्या तुमने कभी रोते हुए बच्चे को सुना है? जैसे किसी को टॉर्चर करके रुलाया जा रहा हो। हमें बस सपने आ रहे हैं। फिर अभी भी वक्त है। ये चाबी, ये चाबी, ये चाबी उस घर में कुछ तो खोलती है। वो क्या? मुझे नहीं पता,
मुझे बताओ टेरी, साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं नहीं जानता, ठीक है, मैंने पूछा भी नहीं। मैंने इस चीज को मेरे परिवार में सबके पीछे आते हुए देखा है। मैं जिसको भी जानता था सब मर गए, तुम भी मरोगे, तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे, समझ आया तुम्हें? भेजे में घुसी ये बात, तुम इससे भाग नहीं सकते, और ना ही तुम्हारे अपने। तुम लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग कितने पागल हो। ये 13th Friday है, इसका मतलब तुम लोग और तुम्हारे, नहीं 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 नहीं, आज तुम दोनों से शुरुआत होगी। आज का ही वो दिन है जब वो गिरा था। चौदह बारह 1412 में तुम लोग स्वर्ग से कैसे गिरे लुसिफर, और वो भी सुबह में, और 14 को मैं बादलों की ऊंचाइयों के ऊपर जाऊंगा, मैं सबसे ऊपर रहूंगा। 13 को मैं अपना सिंहासन अपनी प्रजा के बीच में लूंगा। आज वो दिन है जब नरक के दरवाजे बनेंगे, भटकती आत्माओं के लिए बने ये दरवाजे जो इंसानियत पे अपनी छाया डालेंगे। आज बुराई राज करेगी, क्योंकि हम दरवाजे फिर से खोलेंगे। 13 13 13 आखिरी इंसान जिसके पास चाबी थी वो शहर से भाग गया था। मैं कहूंगा तुम अपना वक्त बर्बाद मत करना, अब जाओ तुम यहां से, चलो जाओ यहां से। थर्टीन मैं एक लीड फॉलो कर रहा था जो एक पुराने केस से जुड़ी हुई है, एलिस और ईव हेड। 1900 के शुरुआत में मेरी रिसर्च मुझे यहां तक ले आई है, रियर ग्रैंड शहर में छोटी सी सेमेट्री के पास। यह कहानी काल्पनिक से कहीं ज्यादा हो सकती है, और मेरी थ्योरी को साबित करने में सबसे प्रमुख भूमिका भी निभा सकती है। एलिस केन। उससे मिलना चाहता था, क्योंकि उसने कभी भी शादी नहीं की, और उसका नाम उस कहानी के साथ ही पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर कोई नहीं जानता। कहानी जो मैं लिखूंगा और छापूंगा, बैक डोर।
बैक डोर। पापा 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 गर्ल्स कैनी, तुमने क्या किया? एलिसन
उन्होंने बताया कि तुम यहीं मिलोगे। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम्हें ऑफिशियल इनविटेशन भेजना भूल गए होंगे। वो कैलेंडर, उसके बारे में मुझे और क्या बता सकते हो? ऑफिशियली मुझे लगा कि उन्होंने कोई अपना चुना होगा। मैंने उन्हें तुम्हें चुनने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं। मैंने एक फ्रेंड को मरते हुए देखा आज। उसने मुझे कैलेंडर पूरा करने को कहा। उसके कहने का मतलब क्या था थैरी? ठीक है, सही है। अच्छा, वो स्पीयर एक कैलेंडर है। मैं नहीं जानता कि वो कहां से आया, कोई नहीं जानता, पर वो बुरा है। इतना बुरा कि वो नरक के दरवाजे खोल सकता है। अब तुम यहां से जाओ प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी होगी। इसका क्या मतलब है बताओ? कि एक नॉर्मल इंसान को विजन्स दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ भयानक आवाजें, उसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाती और चलती हुई गाड़ी के सामने आ जाती है। क्यों थैरी? वो कैलेंडर कोई तावीज नहीं है, वो शापित है। उससे बुरा अब तक कुछ नहीं देखा, नरक की गहराई खुलने के लिए। और अगर तुमने उसे सुना होगा तो वो बस अपनी मां को लौटने के लिए पुकारती है। उसकी मां? उसे क्या हुआ था? उसने तेरी, प्लीज मुझे बताओ। उसे जिंदा जला दिया। उसकी मां को वो नहीं मिली। उसे ढूंढो इसके पहले कि वो तुम्हें ढूंढे। उस घर में तुम्हें वापस जाना होगा। बाय केनी। बाय, अपना ध्यान रखना। हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं मेरी नाइट कब से गुड नहीं हुई है। Go for Kenny. Go for Kenny. Hello.
क्या नहीं? कुछ नहीं बताया, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, कसम से। रैन, जरा इसे देखो तो। रैन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस मुझे लगा मैंने कुछ देखा। मैं hey, मुझे लगता है कि वहां हमें कुछ मिलेगा। यहां देखते हैं, मेरी मदद करो। लगता है बस यही है? जानने का बस एक ही तरीका है। लगता है कि ये बुरा है? मुझे नहीं पता। हाँ।
मैं तुम्हें जानता हूं। मेरा नाम मत बोलना, वो तुम्हें पसंद नहीं करती अगर तुमने मेरा नाम लिया। वो ठीक वही है। सिर्फ बुराई वाली ऐसी जगह पे दिमाग ऐसे राक्षस और अंधकार खुद ही बना देता है, और अंत में आप मजबूर हो जाएंगे इस शैतान की व्याख्या करने के लिए, दोहराने के लिए। Thank you.
Thank you.